अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आलगी प्याज, ग्रीन प्याज और वाइट वाली जो होती है ये, और आलू बना रही हूँ मसाले वाले। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। मज़े मज़े की वीडियो, इजी आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, जो कि आप लोग बनाएंगे और मज़े की होती हैं रेसिपीज़ मेरी। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। आलू हमने लिए हैं नए आधा किलो, प्याज हमने ली है आधा किलो आल की प्याज, और टमाटर हमने लिए हैं इसके लिए एक पाव। बाकी मज़ीद आपको रेसिपी इसकी कटिंग करने के बाद, इसको वॉश करने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ मैंने सारी ही सब्ज़ी कटिंग कर ली है और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर मसाला भूनेंगे। तो चले चलते हैं और टाइम वेस्ट किए बगैर ही रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हुआ जाता है, एक चम्मच हमने लिया है ऑयल। ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और लहसुन और हरी मिर्च हैं ये डालेंगे इसके अंदर। लहसुन बारीक कटिंग कर लिया था, इसके बाद इसमें लेंगे हींग, जो कि हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हींग। और मैं भंगार के लिए लेती हूँ हींग दाल में, क्योंकि ग्रीन प्याज और आल प्याज जब बनाते हैं तो थोड़े से हैवी हो जाते हैं और हज़म होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो ईजिली इसको हज़म करती है। यहाँ पर हमने लिए ग्रीन प्याज, इसको फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ ही। न्यू रेसिपी है ये, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि उससे हेल्प हो जाती है मेरी और लोगों का फ़ायदा हो जाता है कि उन लोगों को एक अच्छी रेसिपी देखने को मिलती है, आसान से इजी और बहुत कम टाइम में बनने वाली। यहाँ पर मैं ग्रीन प्याज को फ्राई कर रही हूँ, खुशबू ग्रीन प्याज की ऐसी है भंगार के साथ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में खुशबू यहाँ पर सब भंगार की आ रही है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोग भी देखिएगा कि आपका घर भी पूरा महक उठेगा ये वाली रेसिपी से। महलने वाले लोगों को होता है फिर क्या बन रहा है, घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लाइट सा फ्राई करेंगे इसे बातों के साथ साथ, साथ साथ हमने इसमें आलू डाल दिए हैं, आलू को भी हम साथ साथ फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है और 0.5% ही जो है जल जाते हैं। आलू को फ्राई कर लेने के बाद साथ साथ में यहाँ पर ऐड करूँगी टमाटर। यहाँ पर मैं टमाटरों को सॉफ्टी करने के लिए मसाला जल्दी भून जाए नमक डालूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, जल्दी फ्राई हो जाएंगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर लूँगी हल्दी, हल्दी ऐड कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्ची, जैसे कि सब्ज़ी में कुटी हुई लाल मिर्ची बहुत पसंद होती है और बहुत ज़बरदस्त ये टेस्ट लेकर आती है। ज़्यादा से ऐड की है, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा लिए क्योंकि चटपटी सब्ज़ी बनी है, बहुत मज़े की लगती है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी और आसानी के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ढक्कन को कढ़ाई के साथ, क्योंकि यहाँ पर पानी छोड़ी है सब्ज़ियाँ, 10 से 15 मिनट मैं इसे कवर करके रखूँगी और पानी के साथ ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज फ्राई हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी और आलू भी हमारे गल जाएंगे। अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी रेसिपी अधूरी है, कंप्लीट नहीं है, जब पूरी देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह, और हम इसे बड़ी ही मेहनत के साथ फ्राई करते जा रहे हैं। मेहनत करते रहा कीजिए, रोज़ नई नई रेसिपियाँ ट्राई किया कीजिए, मेहनत करने से कभी मेहनत रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देते हैं। तो हमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए, हर रोज़ नए खाने सीखने और बनाने चाहिए। जो मैं रेसिपी आप लोगों को शेयर करती हूँ आगे शेयर किया कीजिए,
जो लोग आप बनाते हैं वो कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोग अपनी रेसिपी कैसे ट्राई करते हैं, तो वही रेसिपी बना के मैं आगे भी और अपने व्यूअर्स को शेयर करूँगी, ताकि हर रोज़ हर किसी को एक न्यू रेसिपी बनानी आए और वो आगे से आगे जो है हमेशा जो है वो कामयाब रहें, मशहूर रहें। तो मेहनत करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी फल उसका उतना ही अच्छा मिलेगा। मेहनत से ही इंसान कामयाब होता है, आगे बढ़ता है, सीढ़ी परवान करती चली आती है। बातें करना अच्छा लगता है मुझे, कि रेसिपी भी रेडी होती जाती है और आप लोगों से बातें भी होती जाती हैं और खुशबुएं भी बहुत ज़बरदस्त आती रहती हैं यहाँ पर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जायका, खुशबुएं, पता ही नहीं चलता कब रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है आप लोगों के बातें आप लोगों के साथ करते करते। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और आगे भी जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, हमें सपोर्ट मिलता है और हर किसी को हर रोज़ एक नई रेसिपी मिलती है मेरे चैनल से, क्योंकि मैं ये रेसिपी जो है खुद से खुद ट्राई करती हूँ और डेली एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ ईजी और कम टाइम में बनने वाली। आप चाहो तो यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पर काली मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ चटपटा इसको बनाने के लिए। बातें करते करते वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, रेसिपी बनाते बनाते कोशिश यही होती है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको। काली मिर्चों के साथ साथ यहाँ पर हुआ मसाला भुनना पूरा फुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने अदरक लिए, बहुत अहम किरदार अदा करती है अदरक भी खानों को हज़म करने में, हाजमे में ही बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आती है, जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता होगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना बहुत जो है ना ज़बरदस्त बनाई है, कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई, बेकार नहीं बनाई है, नेमते अल्लाह ताला की रहमते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सब्ज़ियाँ भी सबको ही पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये मैं लास्ट में जो है कटिंग कर ली थी इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। इसको हमने भूनते में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये पूरी जो है ना तरह से जो है ना बिल्कुल घुल जाती हैं, तो वो उनका जो है ना टेस्ट और जो है ना लुक जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर हमें चाहिए साबुत, और ये आ जाएंगी भाप में एक ही इशारे में, एक ही भाप में आ जाएंगी यहाँ पर ये। तो इसे हम ऊपर नीचे कर लेते हैं मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 5 से 10 मिनट, और फिर इसको जो है ना ढक के रख देंगे। सिर्फ आप लोग लुक ही देखें, इसका लुक इतना ज़बरदस्त है कि देखते ही मुंह में पानी आने लगे कि इसे पराठों के साथ खाएं, इसे रायते के साथ खाएं, इसे चावल के साथ खाएं और चपाती के साथ खाएं। बस जी चाह रहा है कि पक्की भी नहीं है और इसे मैं इसी तरह से बस लूँ और चपाती के अंदर रखूँ, निवाला बनाऊँ और बस खा लूँ। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस वक्त मुझे पता है मैं यहाँ पर बना रही हूँ, तो हमने मिक्सर लिया है और इसे लीड लगा के रखेंगे। शुरू में हम जो है इसे जो है हाई फ्लेम पर रखेंगे क्योंकि ये ग्रीन सब्ज़ी जो है ना मसाला छोड़ती है, ग्रीन अनियन, और इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे क्योंकि ये जल्दी से पक जाएगी और मसाला और आलू यहाँ पर जो है वो गले हुए हैं, तो इसे हम मीडियम आंच पर रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार से ये डिश यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देख लीजिए, आपकी प्यार मोहब्बत ही है जो मैं इस चैनल को यहाँ तक लेके आई हूँ, मज़ीद भी इंशाल्लाह आगे जाऊँगी। तो आप लोगों की दुआएं मुझे इसके लिए और चाहिए, आगे सब्सक्राइब चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक चाहिए और शेयर चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा बहुत सारी, और अदरक लहसुन इसमें मैंने ताज़ा कटिंग करके डाला था, पेस्ट से वो जायका नहीं आता जो जायका कटिंग करके और जूसी फ्लेवर जो आता है ना, और जायका खुशबू जो आती है लास्ट में, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है,
अदरक के साथ हरी मिर्चों के साथ मैंने दम में लगाया था, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाजवाब रेसिपी है। मुझे बताना कैसी लगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।